अज देश दे गृह मंत्री राजनाथ सिंह अमृतसर पुजे जिथे कुछ लोगों वालों राजनाथ सिंह का विरोध किया गया। आखिर कौन सन वो लोग जिन्हों वालों कालिया झंडियां विखा के राजनाथ सिंह का विरोध किया गया अते कारण की सी, जानने लई वेखो अमृतसर तो ए रिपोर्ट। देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह वालों आज अमृतसर दे विच दौरा किया जा रहा है। तुसीं देख सकते हो गड्डियां दे विच, हालांकि कांग्रेसी नेतावां वालों जिहड़ा आ कालियां झंडियां दिखा के जिहड़ा आ उन्हां दा विरोध किया जा रहा है। भारी संख्या दे विच जिहड़ी हैगी आ उह जिहड़ी इत्थे ऑलरेडी जी कांग्रेस दे लोक ने उह इत्थे पहुंचे हुए ने और राजनाथ सिंह नूं जिहड़ियां ने कालियां झंडियां दिखा के जिहड़ियां ने उह इत्थे विरोध किया जा रहा। तुसीं तस्वीरां देख सकते हो कि राजनाथ सिंह दा काफला जिहड़ा आ उह अज हुण अटारी सरहद वल जा रहा आ और तुसीं देख सकते हो कि कांग्रेस के अधिकारियों वालों कांग्रेस के नेतावान वालों जिहड़ा आ उह जिहड़ियां कालियां झंडियां दिखा के जिहड़ा आ उह इत्थे जिहड़ा विरोध जताया जा रहा वा। हालांकि राजनाथ सिंह का प्रोग्राम जिहड़ा आ आईटीआई अटारी दे विच जिहड़ा सीगा उह प्रोग्राम हैगा सीगा और साडे नाल मौजूद ने कांग्रेस कमेटी अमृतसर दे महिला प्रधान मैम। अज तुसीं कालियां झंडियां दिखाईआं, क्यों दिखाईआं गईआं जी? केंद्र में सत्तासीन मोदी सरकार जिसने अपने पिछले पौने पांच साल के कार्यकाल में सिवाय जुमलों के कुछ नहीं किया, देश की जनता को रोने पर मजबूर किया। आज केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ जो सिवाय अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के अलावा कुछ नहीं कर रहे, कहीं वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू पर 2900 करोड़ रुपए का धन खर्च करना और कहीं सियासी रोटियां सेकने के अलावा कोई और काम इनको नजर नहीं आ रहा। ना किसी किसान के बारे में, ना किसी व्यापारी के बारे में, ना किसी बिजनेसमैन के बारे में इन्होंने सोचा। आज देश को इन्होंने बर्बादी की राह पे लाके खड़ा कर दिया। आप कालियां झंडियां दिखाईयां, किन्नू दिखाईयां गईयां कालियां झंडियां? ये काली झंडियां हमने केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ जी को दिखाई है। क्यों क्यों कारण क्या है, क्या क्यों तुसी दिखाईयां जिहड़ियां कालियां झंडियां? ये झंडियां इसलिए दिखाई गई है कि ये लोग सिवाय अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। केंद्र में बैठी मोदी सरकार ये जो जुमलों वाली सरकार साबित हुई है, पिछले पौने पांच साल के दौरान इन लोगों ने देश को कंगाली की राह पे खड़ा कर दिया। आज देश का नौजवान, देश का व्यापारी, देश का किसान खून के आंसू रो रहा है। सरहद पर हजारों सैनिक मर रही हैं, उनकी कोई बात पूछने वाला नहीं। खाली ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, कहीं 2900 करोड़ रुपए लगाकर गुजरात में स्टैचू लगाए जा रहे हैं। ये उन लोगों की क्यों सुध नहीं ले रहे जिनके परिवार शहीद हो रहे हैं, सैनिक मर रहे हैं? यही पैसा अगर उन लोगों के परिवारों की आर्थिक सहायता, माली सहायता लगाने के लिए किया जाए तो लोग इनका भी भला हो और देश का भी भला हो। देश का जो नौजवान है वो गलत रास्ते पे चल रहा है, ये सब मोदी सरकार की देन है। क्योंकि मोदी सरकार ने नौजवानों को रोजगार देने की बात कही थी, आज देश का नौजवान जो है वो गलत रास्ते पे चल रहा है। देश में व्यापार बिल्कुल खत्म हो चुका है, आर्थिक हालत इतनी खराब है और देश को कंगाली की राह पर खड़ा करने वाली ये मोदी सरकार जिसको चलता करने के लिए देश आज तैयार बर तैयार खड़ा है। और ये जो 2019 का लोकसभा का इलेक्शन होगा ये इनके कफन में आखिरी कील साबित होगा। अमृतसर के विच कांग्रेसी नेता जिन्हों वालों अज राजनाथ सिंह की जिहड़ी काफले नूं कालियां झंडियां दिखा के जिहड़ा सीगा उह विरोध जताया गया, उन्हां दा कहना है कि एक पासे जम्मू कश्मीर दे विच जवान मर रहे ने लेकिन वह एक छोटी जी उद्घाटन के समागम ते इत्थे पहुँच रहे ने, क्यों नहीं उत्थे जाके जिहड़े जवानों का हाल चाल जानने की कोशिश कर रहे हैं? और 2019 दे विच जिहड़ा आ उह इन्हां नूं जिहड़ा राजनाथ सिंह और बीजेपी की जिहड़ी सरकार आ उहदे वास्ते जिहड़ा आ उहनूं हराउण लई जिहड़ी आ हर एक जिहड़ी संभव कोशिश भी की जाएगी। हालांकि राजनाथ सिंह का अमृतसर दे विच ICP दे अते जिहड़ा अटारी सरहद ते जिहड़ा आ उह प्रोग्राम भी होना आ, उस तो बाद जिहड़ा आ राजनाथ सिंह जिहड़े ने उह दिल्ली वल नूं कूच करनगे। अमृतसर तो गुरप्रीत सिंह, दैनिक सवेरा TV।